सितंबर माह की शुरुआत होते ही महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। गैस सिलेंडर से लेकर हरी सब्जियों के दामों में इजाफा होने से महिलाओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। सितंबर की शुरुआत से ही महंगाई का सितम ढाने लगा है। एक बार फिर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी 75 रुपए का इजाफा हुआ है। इस साल घरेलू सिलेंडर 190 रुपए महंगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी से लेकर अब तक सिलेंडर की कीमतों में 190 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। 1 जनवरी को दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 694 रुपए थी, जो कि अब बढ़कर 684 रुपए 5 पैसे हो गई है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। अमिशा जी, जिस तरह से लगातार गैस का दाम वृद्धि हो रहा है, 25 रुपए फिर बढ़ गए, तो कितना रसोई पे बोझ पड़ रहा है? देखिए, ये गैस का जो दाम है पहले भी बढ़ा था और सरकार ने फिर से 25 रुपये बढ़ा दिए हैं। इससे जो है सबसे ज़्यादा फर्क मध्यम वर्ग वालों पे पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते सैलरी भी सबको हाफ मिल रही है और इनकम किसी भी तरह से बढ़ा नहीं है, और गैस के दाम आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे कि पूरा हमारा जो बजट है वो बिगड़ते जा रहा है। सब्जी है, दाल है, चावल है, हर एक चीज़ पे महंगाई की मार पड़ी हुई है, और गैस के बढ़ते दामों के चलते हमारा जो है पूरा बजट बिगड़ रहा है। सरकार को एक ही बार में दाम बढ़ा देने चाहिए। सैलरी तो हमारी बढ़ती नहीं है, सैलरी तो कम होती जा रही है, और गैस के दाम जो है आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कितना फर्क पड़ रहा है रसोई पे अगर सरकार सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, अगर तो क्या चाहती है इसके लिए? हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो है गैस के दाम ना बढ़ाए। मधुबाला जी, सिलेंडर के बढ़ते हुए दाम से कितना बोझ पड़ रहा है रसोई पर आप लोगों पर? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम टंकी इतना महंगा लेंगे तो मेरा घर जैसे कैसे चल पाएगा, क्योंकि बाल बच्चे दो ठो हैं। इस पहले कोरोना की वजह से इसमें टंकी के दाम 1000 हो गया, पहले था 500 रुपया, अब ये 1000 हो गया। इसको मतलब कम करना पड़ेगा आपको, तभी हम लोग जैसे चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। नहीं तो मेरा तो वो अरे गोहरी है ये खाना बनाने के लिए, अगर हम लोग कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे? देखिए, हम ये सब काम करते हैं, मतलब काम काज भी ठप पड़ा हुआ है। तब क्या, माला बनाते हैं, घर में काम करते हैं, खाना ही बनाते हैं किसी के घर में। तो गैस से कितना दिक्कत है आपको इस तरह से जो रेट? बहुत दिक्कत है, हर चीज़ का दिक्कत है। मनोरमा जी, गैस का बराबर दाम जो बढ़ रहा है, अभी 25 रुपया फिर बढ़ा है। हाँ, तो कितना भार पड़ रहा है रसोई पर आप लोगों? बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 19 से हम शुरू किए थे, 19 रुपये का मिलता था सिलेंडर, और अब तक में कितना बढ़ गया, 900 रुपये हो गया सिलेंडर, 1000 रुपये। तो हम लोगों को तो बहुत परेशानी, घर के लोगों को भी परेशानी, आदमी लोग को भी परेशानी, लेकिन अब क्या किया जाए, लिया जाता है उसको। किस तरह का परेशानी है आप लोगों को? पैसे की परेशानी, इतने महंगा से वो मिल रहा है, कहाँ 19 रुपए का आता था, 23 का हुआ, 21 का हुआ, 33 का हुआ, ऐसे होते होते दिन पर दिन तो बढ़ता ही गया, अब फिर सीधे 25-26 रुपए बढ़ गया। तो इस समय रसोई में गैस से ही परेशान है कि और भी आइटम का दाम से? हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। तेल समझ लीजिए कि जो हम लोग 70 रुपए का लेते थे, इस समय 150-200 रुपए का मिल रहा है। ये सरसों तेल और रिफाइन, सब चीज़ का तो दाम बढ़ा है, कोई एक ही चीज़ का तो नहीं बढ़ा, हर चीज़ की परेशानी है। सैलरी जस का तस है? सैलरी तो जस की तस, वो थोड़ी बढ़ती है कहीं, कभी नहीं बढ़ती। तो बिक्री बट्टा का क्या हाल है इस समय मार्केट? बिक्री बट्टा क्या, जब पैसे ही नहीं तो लोग कहाँ से क्या करेगा, खरीदारी करेगा? तो क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे कि सस्ता करिए।